सांगी सदर विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर रामकुमार मौर्य के समर्थन में केंद्र राज्य मंत्री कौशल किशोर ने जनसभा को संबोधित किया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पायल रावत और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। नवाबगंज बाराबंकी भारतीय जनता पार्टी के केंद्र राज्य मंत्री कौशल किशोर ने एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए नवाबगंज तहसील के सभी मतदाताओं से अपील की। सपा बसपा कांग्रेस ने गरीबों के हित में कोई भी कार्य नहीं किया है, इसको ध्यान में रखते हुए बाराबंकी सदर विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर राम कुमारी मौर्य के समर्थन में अपना मतदान करें। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताए। गरीब लड़की की शादी में अनुदान हुआ, मुफ्त बिजली दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इस बार भी चुनाव में 305 सीट जीतने का किया है दावा। इस मौके पर बाराबंकी सांसद उपेंद्र सिंह रावत, जिला अध्यक्ष शशांक, बाराबंकी चेयरमैन पूर्व रंजीत बहादुर श्रीवास्तव, संदीप गुप्ता, भाजपा कार्यकर्ता व नेता उपस्थित रहे। प्राइम न्यूज 24 के लिए वेद प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। मंत्री जी, आज आपने संकल्प दिलाया यहाँ पर, हालांकि कभी कमल नहीं खुला है, क्या ये संकल्प काम आएगा? ये संकल्प लोगों ने किया है और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिनके रिश्तेदार नातेदार मिला करके गाँव पड़ोस को मिला के 50 से 100 सबके हैं और ये सब लोग अपने रिश्तेदार नातेदार दोस्तों को मित्रों को पड़ोसियों को मिला के वोट डाल देंगे। 1 लाख से ऊपर ज़्यादा वोट मिलेगा, निश्चित तरीके से कमल खिलेगा और इस बार बीजेपी का विधायक यहाँ से बनेगा। डॉक्टर श्रीमती राम कुमारी मौर्य जी चुनाव जीतेंगी और योगी जी की सरकार बनेगी। क्या लगता है मंत्री जी, उत्तर प्रदेश में कितने सीटें निकालेंगे आप? क्या फिर हम 300 से ज़्यादा सीटें जीत के आएंगे? पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत से जनता वोट दे रही बीजेपी को और प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। हमारी मंत्री जी, एक सवाल है कि भाजपा समर्थक कहते हैं राम को हम जिसको राम बुलाए हैं हम उनको लाएंगे, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, राम मंदिर बना है, कोर्ट के निर्णय से बना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरे प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। अखिलेश जी की सरकार में 700 से ज़्यादा दंगे हुए और सभी के समर्थन से सहयोग से सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय किया और राम मंदिर भी बना, कोई विवाद भी नहीं है। तो निश्चित तरीके से भाजपा की सरकार में पूरे प्रदेश में कोई प्रकार का दंगा नहीं हुआ। सरकार निश्चित तरीके से जो राम मंदिर निर्माण हो रहा है वो 23 दिसंबर 2023 तक बनकर के तैयार हो जाएगा और सभी लोग दर्शन करेंगे और ये ऊपर वाले की मर्जी है, सबके सहयोग से ये कार्य हो रहा है, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। जनपद के एक सवाल ये है कि जनपद बाराबंकी में जहां कल मोदी जी चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे तो वहीं दूसरी तरफ पंडित सिद्धार्थ अवस्थी युवा नेता, उन्होंने सपा का दामन थाम लिया, इसकी भरपाई कैसे करेंगे? कोई उनका बहुत बड़ा कोई वो नहीं है और जिस जो लोग भी इस समय सपा का दामन थाम रहे हैं इसका मतलब उनको गरीब आदमी को जो राशन मिल रहा है, गरीब आदमी को जो लड़कियों की शादी मुफ्त में 1 लाख रुपए मिलेगा और जो बिजली ज़्यादा मिल रही है, किसानों को जो है मुफ्त में सिंचाई मिलेगी और प्राइवेट ट्यूबवेल में मुफ्त में बिजली मिलेगी, ये जिनको बर्दाश्त नहीं हो रहा वही सपा का दामन था। धन्यवाद।